अब ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं गुलाब पार्क में। आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़े ही फासले के ऊपर अब्दुल्ला पटेल स्कूल है और उससे थोड़ी ही दूरी के ऊपर यहाँ के सोशल वर्कर अयूब खान, जो कि अब इस वक्त आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कल यहाँ इस गली के अंदर कुछ औरतों का झगड़ा हो गया था बड़े पैमाने पर जगह को लेके। बाद में वो झगड़ा इतना बड़ा कि वो मर्दों में भी हो गया। क्यों हुआ था ये झगड़ा, क्या वजह थी इस झगड़े की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अयूब भाई से। अयूब भाई, कल रात में यहाँ पे जो झगड़ा हुआ था कुछ महिलाओं के अंदर, उसका कारण क्या था? देखो, हमको पता चला कि कुछ 11 से 11:30 के बीच में यहाँ पे दो औरतों के गुटों में झगड़ा हुआ। पता ये चला कि अतिक्रमण विभाग सभी हॉकर्सों को रोड से खदेड़ के गलियों में भगा रही है और उनको ये कह रही है कि आप गलियों में जाओ। अब ये हमारी यहाँ पे गली जो है ये काफ़ी तंग गली है, जिसमें काफ़ी तादाद में हॉकर्स यहाँ पर जमा हो रहे हैं और हमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है रेसिडेंशियल को। फिलहाल दो रोज़ पहले हमारे ही बिल्डिंग में रूम नंबर 102 जिनका नाम है मोहम्मद अली खान, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको टाइफाइड, डायबिटीज, टीबी वगैरह की शिकायत थी, वो जब गली में आने लगे तो उनकी गाड़ी को गली में आने नहीं दिया गया और वो लोग शरीफा रोड से इस तरफ आए और जिसको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जब हॉकर्स अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है जगह के लिए झगड़े हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि थाना महानगर पालिका को चाहिए कि एक बड़ा तादाद में जो बड़ी संख्या की जो हॉकर्स लोग हैं तो उनके लिए एक जोन बना के दिया जाए, ना कि इनको गलियों में खदेड़ा जाए और ना कि गलियों में बोले कि जाकर लगाओ। तो ये अयूब भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कल झगड़ा हुआ था महिलाओं के बीच में, ये जगह को लेकर झगड़ा था या कुछ और वजह थी इसकी? नहीं, बिल्कुल जगह को लेकर इधर पर झगड़ा हुआ था और पहले तो शुरुआत आदमियों से हुई, बाद में दोनों जगह के जो जगह के लिए जो डिस्कस हो रही थी वहाँ की महिलाएं आई और आपस में लड़ने लगी, जिसके कारण बाद में अतिक्रमण भी आई और पुलिस भी आई और दोनों को हटाया गया है। अब देखते हैं कि आगे इधर क्या कार्रवाई होती है। तो ये अयूब भाई, ये जो जगह मार्केट के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो लगा हुआ है तनवा नगर पेट्रोल पंप पे जो मार्केट लगा हुआ है और जो मित्तल ग्राउंड में लगा हुआ मार्केट, हॉकर्स और के दरमियान मामले को लेके इस वक्त वो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और झगड़े हो रहे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चालू है और आपने बताया कि कल यहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। तो आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को कि क्या होना चाहिए इसके लिए? देखो, ये ईद और रमज़ान का जो मसला है ये मुसलमानों के लिए बहुत ही सम्मानित रमज़ान होता है, यहाँ पर काफ़ी इसमें शॉपिंग किया जाता है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि हॉकर जोन बनाया जाए, ना कि तुमको गलियों में खदेड़ा जाए, ना कि रोड से हटाया जाए, इनको एक सेफ जगह दिया जाए ताकि लोग वहाँ जाकर आरामी से मार्केटिंग कर सकें। यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी चोरी भी होती है, काफ़ी पाकिटमार भी जमा होते हैं और बहुत सारे मसले मसाले आपस में लफड़े झगड़े भी हो रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि एक हॉकर जोन बनाकर दिया जाए, ना कि हम लोगों को, जब हम टैक्स भरते हैं तो हमको आने जाने की तकलीफ नहीं होना चाहिए।